नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार मैं हाजिर हूँ आपका दोस्त अमरजीत यादव एक नई वीडियो लेके, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या होता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है दोस्तों, 101 × 101। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इसमें बता देता हूँ कि जो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होता है, सेम आप जो शुरुआती क्लास में आप पढ़े होंगे 2, 3, 4, 5, 6 में, बस वही कर देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। आइए देखते हो दोस्तों कैसे करते हैं। 0 × 1 की हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0, 0 का टेबल 1 में जाएगा 0, यहाँ इसको कैंसिल 0 0 0 0। अब दोस्तों 1 का टेबल 1 में जाएगा, हो जाएगा यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ हो जाएगा 1 1 1 0 में 0 1 1 1। उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं दोस्तों, 0 के नीचे कुछ नहीं, 0 आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, 0 0 1 का 1 आ जाएगा, 0 का 0 0 1 का 1 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास अब देखोगे जो है, हम चेक कर लें, जो हमारा डेसिमल नंबर है ये 101 का होता है, 5 100 का होता है, 4 इसका मल्टीप्लाई करते 5 × 5 4 20 हो जाता है। अब हम 20 का जो वैल्यू हो तो चेक कर लेते हैं, 10100 ही आता है, इसलिए हमारा क्या है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या है, सही है दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला एग्जांपल, 10001 × 1100। तो 0 का टेबल 1 में जाएगा 0 0 0 0 0 0, 0 देखो 0 से किसी भी संख्या में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सारा 0 हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास 5 है तो हम 5 टाइम्स लिख देते हैं, फिर 0 काम करेंगे, 0 0 0 0 0, यहाँ कैंसिल, फिर 1 का करेंगे, अब की बार यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल, तीसरे से लिखना शुरू करते हैं, 1 1 जा 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 जा 1, फिर 1 से करते हैं, अब इसके नीचे 1 1 जा 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 जा 1। अब दोस्तों इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 0 0, फिर 1 0 0 का 1 0 0 1 1। तो दोस्तों हमारे पास आ गया 1 1 0 0 1 1 0 0। तो दोस्तों यदि हमें ये इसकी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू डेसिमल में पता है तो हम आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 17, और इसकी जो वैल्यू है वो है 12। तो दोस्तों इसका यदि मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा वो, जो बाइनरी में इतना बड़ी टेबल तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम पहले वाले हम एग्जाम्पल में बता चुके हैं, सेम वैसे है। यदि आपने गुणा करने में, मल्टीप्लाई करने में और एडिशन में आपने गलती नहीं की है तो पक्का दोस्तों आपका आंसर सही होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार, फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ।